हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई रेसिपी जो है पोहा चिवड़े की। टी टाइम के लिए बेस्ट चीज़ है, बहुत क्विक रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है पोहा चिवड़ा। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने पोहा लिया है, इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट। इसको मैंने बिल्कुल, इसमें मैंने कढ़ाई में ऑयल नहीं डाला है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे। ये 2 कप पोहा है, पोहा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, हम लोगों को इसको ड्राई रोस्ट जब तक करेंगे तब तक ये थोड़ा क्रिस्पी नहीं हो जाता। पोहा बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, अब मैं इसको एक सूखी प्लेट पे रिमूव कर लूंगी। ये सेम कढ़ाई ली है मैंने, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच। ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब इसको मैं ऐसे करके साइड में कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। यहाँ पे साइड में रखा हुआ है रोस्टेड पोहा, मैं डाल दूंगी। आप इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, और हल्दी भी डाल सकते हैं, जो मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, और कलर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल दूँ। वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।